हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं संदीप एंड आप देख रहे हैं क्लैश विद संदीप। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप सबको क्लैश रॉयल के 5 ऐसे अपडेट्स के बारे में बताया था जिन्हें कि हमारे गेम में ऐड होना चाहिए। एंड उस वीडियो के नीचे मैंने यहां पर कमेंट में ये बोला था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो यहां पर देखिए आ चुके हैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज आज का ये जो पूरा वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 मैजिक आइटम्स। तो यहाँ पर मैजिक आइटम सुनने के बाद आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर जो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस में काफ़ी टाइम पहले मैजिक आइटम्स ऐड किए गए थे एंड इन मैजिक आइटम्स के वजह से जो क्लैश ऑफ क्लैंस के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड अगर यही सेम मैजिक आइटम्स हमारे गेम क्लैश रॉयल में भी ऐड कर दिया जाता है देन यहाँ पर मज़ा ही आ जाएगा। बिकॉज आप सबको तो मालूम ही होगा कि क्लैश रॉयल में कार्ड्स एंड किंग लेवल इनको अपग्रेड करना कितना ज़्यादा हार्ड है एंड कई बार तो कई सालों लग जाते हैं इनको मैक्स करने में। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर ये जो मैजिक आइटम्स हैं ये क्लैश ऑफ क्लैंस की तरह हमारे क्लैश रॉयल में भी ऐड हो जाएंगे, देन इससे जो प्लेयर्स हैं इनको ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैजिक आइटम्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्लैश ऑफ क्लैंस गेम है यहाँ पर काफ़ी सारे मैजिकल आइटम्स हैं एंड इन सब का डिफरेंट यूज़ है। एंड अगर ये जितने भी मैजिकल आइटम है हमारे गेम में ऐड हो जाए वो भी डिफरेंट यूज़ के साथ देन ये प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आप सबको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस की तरह क्लैश रॉयल में भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगे मैजिक आइटम्स में एंड ईच कैटेगरी में आपको अलग अलग मैजिक आइटम्स मिलेंगे एंड जो सबका यूसेज है वो अलग अलग होगा। जैसा कि जो हमारा पहला मैजिक आइटम है इसकी मदद से आप अपने जो कार्ड है इसे इंस्टेंट अपग्रेड कर पाएंगे बिना किसी गोल्ड के। एंड जो दूसरा हमारा मैजिक आइटम है आप इसके मदद से अपने जो कार्ड है इसे लिमिटेड टाइम के लिए मैक्स कर पाएंगे एंड जैसे आपका वो टाइम एंड होगा देन जो आपका कार्ड है वो आपके ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। एंड जो तीसरा हमारा यहाँ पर मैजिक आइटम है आप इसके मदद से जो अपने किंग लेवल है इसको अपग्रेड कर सकते हैं वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। एंड जो हमारा फोर्थ मैजिक आइटम है आप इसके मदद से जो स्पेशल चैलेंज है इसमें आपको एक और चांस मिलेगा। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ हैं मैजिक आइटम से रिलेटेड जो कि अगर गेम में ऐड हो जाए देन ये जो हमारा गेम है इसे और भी ज़्यादा ईजी और मज़ेदार बना देंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताना भाइयों आपको ये जो मैजिक आइटम्स वाला आइडिया है ये कैसा लगा। नंबर 2 टीवी रॉयल फॉर क्लासिक चैलेंज एंड ग्रैंड चैलेंज। तो यहाँ पर हमें टीवी रॉयल में काफ़ी सारे अरिनास के बहुत सारे ओपी बैटल्स का रिप्ले देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर हमें कोई भी क्लासिक चैलेंज एंड ग्रैंड चैलेंज इनका एक भी बैटल का रिप्ले देखने को नहीं मिलता है। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि टीवी रॉयल में यहाँ पर 2 और न्यू टैब्स ऐड करने चाहिए जहाँ पर हमें क्लासिक चैलेंज एंड ग्रैंड चैलेंज इनका भी बैटल का रिप्ले देखने को मिलना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर जो इनके बैटल के रिप्लेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उन प्लेयर्स को जो यहाँ पर क्लासिक चैलेंज एंड ग्रैंड चैलेंज इनको कंप्लीट करना चाहते हैं। नंबर 3 डेली चैलेंजेस। तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली हमारे गेम में कुछ टाइम पहले यहाँ पर डेली चैलेंजेस हुआ करता था बट इसे अभी रिमूव कर दिया गया है। एंड मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो डेली चैलेंजेस है इसको अगेन हमारे गेम में ऐड करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो डेली चैलेंजेस है इनको कंप्लीट करने का एक अलग ही मज़ा हुआ करता था। तो भाइयों जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कि जो डेली चैलेंजेस है इसे अगेन हमारे गेम में ऐड करना चाहिए या नहीं। नंबर 4 हिडन ट्रैप्स। तो यहाँ पर जो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि क्लैश ऑफ क्लैंस में कितने सारे हिडन ट्रैप्स हैं एंड उनका क्या वर्क है। एंड अगर यहाँ पर इनमें से कुछ हिडन ट्रैप्स हमारे गेम क्लैश रॉयल में भी ऐड कर दिए जाते हैं देन यहाँ पर जो बैटल है ये पहले से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हिडन ट्रैप्स हैं ये हमारे गेम में काफ़ी जल्द ऐड होने वाला है बिकॉज यहाँ पर कुछ टाइम पहले सुपर सेल का एक एनिमेटेड मूवी आया था एंड उस मूवी के अंदर यहाँ पर एक हिडन ट्रैप शो किया गया था वो भी क्लैश रॉयल के पैलेस में, जो कि बेसिकली मेरे को लगता है एक टाइप से हिंट था हिडन ट्रैप्स को लेके क्लैश रॉयल गेम में। एंड इससे ही मेरे को लगता है कि जो हिडन ट्रैप्स हैं ये हमारे गेम में काफ़ी जल्द आ सकते हैं। नंबर 5 2v2 लैडर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है 2v2 लैडर इसको सुनने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर ये जो 2v2 लैडर है ना, इसको लेके हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी है। एंड यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि जो 2v2 लैडर है ये हमारे गेम में काफ़ी जल्द ऐड होगा, बट अगर ये जो 2v2 लैडर है हमारे गेम में ऐड होता है देन जो 2v2 बैटल्स है इसको खेलने का एक अलग ही मज़ा होगा। तो कमेंट करके बताना भाइयों, ये जो 2v2 लैडर है आपको क्या लगता है, इसे हमारे गेम के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं। तो बस भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।